संजय झा, इतनी बैठकें हुई 2019 की हार के बाद से लेकर 2022 तक, हर हार के बाद एक CWC की बैठक होती है और फिर एक कमेटी बना के चिंतन अध्ययन की बात की जाती है, कोई चिंतन की रिपोर्ट देखी आपने आज तक कि ये हार की ये वजह रही, अगली बार हम इसको ठीक कर लेंगे? एक बता दीजिए मुझे सुमित जी, 2014 में जब कांग्रेस पार्टी का बहुत बुरा हार हुआ, 44 सीट पर पहुंची, उसके बाद AK एंटनी का एक रिपोर्ट आया, वो रिपोर्ट आज तक किसी ने देखा ही नहीं है, उस रिपोर्ट पर चर्चा ही नहीं हुई है। सुमित जी मैं बताता हूँ, कांग्रेस में जो भूख होता है ना, बड़ी बात, कि जब कोई हारता है तो वो लड़ने के लिए तैयार होता है, अगले दिन खड़ा होता है लड़ने के लिए, वो है ही नहीं। और मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं कांग्रेस के नेतृत्व पर डालूंगा, क्योंकि ये बात भी सच है, जैसा नेता होगा वैसे ही संगठन का प्रजा होगा। मनीष तिवारी, सचिन पायलट, सज्जन सिंह वर्मा, कमलनाथ, अशोक गहलोत, इतने लोग हैं आपके पास, इनका नाम पे क्यों नहीं एकता हो सकती है? क्यों पार्टी के अंदर विमर्श नहीं हो सकता है कि इसको जिम्मेदारी दें? नहीं हो सकती है, कहाँ हो रही है? हो सकती है, कौन सी कोशिश हुई? मतलब आप तो पार्टी के इतने पुराने कार्यकर्ता, सारे लोग एक जगह बैठेंगे, कब बैठेंगे? मैं बुलाऊंगा ABP न्यूज के स्टूडियो में, तब बैठेंगे या 24 अक्टूबर रोड में बैठेंगे आप लोग? ये दूरभाष यंत्र पे इतने बड़े निर्णय नहीं होते हैं सुमित जी, ये बैठेंगे एक साथ, बैठ के ही तो नाम आगे आएंगे, नाम निकलेंगे गुण दोष के आधार पे, तभी तो निर्णय होगा। अच्छा, ये अप्रैल आ गया, मैं आपके लिए काम आसान कर देता हूँ सज्जन जी, अप्रैल में निर्णय हो जाए, मैं आपके लिए काम आसान कर देता हूँ। अगर मैं आपको बोलूं कि 3 नेताओं के नाम बताइए जो पार्टी के अध्यक्ष हो सकते हैं, आप बता सकते हैं इस वक्त राष्ट्रीय चैनल पर गांधी परिवार के अलावा? मैं बता सकता हूँ, बताइए। हो सकते हैं कमलनाथ, हो सकते हैं अशोक गहलोत, हो सकते हैं कमलनाथ है, अशोक गहलोत है, ऐसे कई नेता हैं हमारे पास कद्दावर, जो मादा रखते हैं बनने का, और युवाओं में बनाना है तो हमारे सचिन पायलट इज द बेस्ट, बिल्कुल सही है ये नाम। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।